चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ स्टेज पे बैठे हुए, सूबाई सुदूर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स, कौमी सूबाई असेंबली के मेंबरान और यहाँ आज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं यौम शहादत पे आए हुए शहीद के चाहने वाले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज हम ये जलसा शहीद की याद में उनकी 45वीं यौम शहादत पे 4 की जगह पे 14 अप्रैल को कर रहे हैं, इसलिए कि 4 को रमज़ान शरीफ था और ये देख के खुशी हुई आज, इसलिए कि मैं 4 को भी इधर आया था। उस दिन भी यहाँ पे शहीद के चाहने वाले खिराज अकीदत पेश करने आए थे और आज भी आप सब आए हैं, पूरे पाकिस्तान से आए हैं और ख़ास तौर पे इस साल जब सुप्रीम कोर्ट ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, आपको मुझे तो पता था, पूरी दुनिया को पता था, लेकिन उनके जो कातिल थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जो सदर आसिफ अली जरदारी ने आज से 11 साल पहले, तकरीबन 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया था। और हमारी खुशनसीबी ये कि फिर आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर हुए और उस केस की पैरवी जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने जब हाजिरी होती थी केस की सुप्रीम कोर्ट जाते थे और आप सबको और हमें तो पता था कि या अल्लाह या रसूल शहीद भुट्टो बेकसूर। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टैंप लगा दी है। अब आप लोगों ने ये इलेक्शन के बाद हमारा पहला बड़ा जलसा है और मैं अभी जिक्र कर रहा था वो मर्दे हुर जिसने अपनी सदारत के दौर में और उन्हीं की सदारत के दौरान ये फैसला आया उससे कुछ दिन पहले, और ये सबूत है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर है, इसलिए कि उनके दामाद ने सदर आसिफ अली जरदारी इस मुल्क की तारीख में पहली बार, दूसरी बार सदर बने हैं और वो सब आप लोगों की वजह से है, सिंध के लोगों ने खास तौर पे, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। और यहाँ मुझे याद है 27 दिसंबर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आपसे वादा लिया था कि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए और वो सिंध में तकरीबन 100% रिजल्ट आप लोगों ने दिए है। और इंशाल्लाह ताला सदर आसिफ अली जरदारी साहब की रहबरी में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की रहबरी में हम उनका जो मंशूर है, वो जो 10 नुकात हैं, इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध आपकी खिदमत करेगी। और ये मैं चेयरमैन साहब और सदर साहब से वादा करता हूँ कि जिस तरीके से सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है, कामयाबी दिलाई है, अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम पहले से भी ज़्यादा खिदमत करें और इंशाल्लाह ताला
अब जब इलेक्शन आएगा तो सिंध में जो तरक्की होगी उस तरक्की के बदौलत हम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में तो हमारी हुकूमत आ गई है और इस वक्त पाकिस्तान के 70% इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इंशाल्लाह ताला ये 70% को हम 2029 में 100% करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वजीर आजम बनाएंगे। मैं और वक्त नहीं लेता, और भी मुकर्रर है और आप सब चेयरमैन साहब और सदर साहब को सुनने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जगह लूँगा। आप सब जो इधर जलसागाह में आए उनसे एक दरख्वास्त है कि एक नारा लगाऊंगा, इधर मज़ार तक, इस तरफ रोड तक और पीछे तक जो लोग हैं आप सब ने उस नारे का भरपूर जवाब देना है। नारे भुट्टो। बहुत मेहरबानी जी।